वो आदमी एक ड्राई क्लीनिंग दुकान की छत में छिपा हुआ है। जब बॉस फोन पर अपनी पड़ोसन साथ बात कर रहा था, तभी उस आदमी ने एक हाई एंड सूट उठा लिया, फिर उस पर बटन कैमरा लगा दिया और सूट वापस रख दिया। दरअसल इस हाई एंड सूट का मालिक एक बैंक का अध्यक्ष है। वो आत्मविश्वास से मेहमानों को बताता है कि इस तिजोरी को कोई लूट नहीं सकता। इसकी दो वजह है, नंबर एक आपको अपने फिंगरप्रिंट स्कैन करने होंगे और नंबर दो उपराष्ट्रपति का वॉइस प्रिंट देना होगा, तभी तिजोरी का स्टील का दरवाजा खोला जा सकता है। लेकिन वो नहीं जानता, उसकी हर हरकत पर दोनों चोरों की नजर थी। वे दो लोग जिन्होंने इस तिजोरी को खोलना सीखा है तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने पहले खुद को पुलिस अधिकारी बताया और पार्टी में घुस गए। ग्रे ने शराब का गिलास उठाया और राष्ट्रपति की ओर चल दिया, फिर नशे में होने का नाटक किया। वो लड़खड़ा गया और राष्ट्रपति के कब्जों पर शराब गिरा दी। फिर अवसर का लाभ उठाकर ग्रे ने बिना किसी को पता चले शूट में से बटन कैमरा निकाल लिया। जिस राष्ट्रपति को इस बारे में कुछ नहीं पता था, काम से छुट्टी लेने के बाद हमेशा की तरह कसरत करने के लिए जिम आए। जब वो थक जाते हैं और जाने लगते हैं, मैंने देखा कि ग्रे काफी देर से इस मौके का इंतजार कर रहा था। ये पुष्टि करने के बाद कि राष्ट्रपति चले गए हैं, ग्रे ने तुरंत ट्रेडमिल हैंडराइल से जुड़ी फिल्म को निकाल लिया। आसानी से राष्ट्रपति की हथेली का निशान तो मिल गया, लेकिन तिजोरी खोलने के लिए उपराष्ट्रपति की वॉइस प्रिंट भी जरूरी है।